आज कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह रहे गुना दौरे पर। ग्राम बांसखेड़ी उकावस शंकरपुरा टोडरा चोड़ाखेड़ी बड़ा अमाल्या महू में भ्रमण कर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया और बोले, मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए मुश्किल समय है, लेकिन अन्नदाता घबराए नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी है। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा को कोर्ट से मिली राहत, आज नगरपालिका पहुंचकर संभाला अपना पदभार। आरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू बाईपास पर हुआ भीषण हादसा, एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी शासकीय विद्यालयों में छात्रों को वीडियो के माध्यम से किया संबोधित एवं फिट इंडिया मूवमेंट का किया शुभारंभ। सर बताएं आज कार्यक्रम। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विगत रविवार मोदी जी ने जो मन की बात कही थी उसमें आज के दिन को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए निर्धारित किया था और आज जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उन समस्त शासकीय विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिसके माध्यम से खेलों का महत्व पता चला और वर्तमान में अभी मोदी जी का संबोधन चल रहा है, इसमें वो खेल का महत्व बता रहे हैं, जीवन में खेलों का क्या महत्व है और शरीर को खेल में शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहिए बता रहे हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी युक्ति कही कि पहले स्वास्थ्य से सब कार्य सिद्ध होते थे, वर्तमान में स्वार्थ से सब कार्य सिद्ध हो रहे हैं, हमें पुनः स्वार्थ से स्वास्थ्य की ओर बढ़ना है और अपनी दिनचर्या इस तरह से बनाना है कि हम स्वस्थ रह सकें। हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। धन्यवाद। बुढ़वाला जी निवासी ओम प्रकाश कुशवाहा के साथ पारधी समुदाय के लोगों ने की मारपीट। पिछले दिनों भुजरिया वाले दिन कुशवाहा समाज के लोगों के साथ बुढ़वाला जी पर ही हुआ था झगड़ा। विगत शाम 6 बजे के करीब ओम प्रकाश से हुई मारपीट। ओम प्रकाश कहाँ रहते हैं आप? बुढ़वाला जी। क्या घटना हुई आपके साथ रात में? क्या हुआ? पारधी ने मारा। कहाँ पर रहते हो आप? बुढ़वाला जी। कितने बजे की बात है? 6:30 से सब्जी लेके आया था। क्या क्या कारण रहा? क्या कारण नहीं, सावन के पहले से लड़ाई मड़ाई हुई थी कुशवाहा समाज में। हाँ। तो क्या मैं भी कुशवाहा हूँ ना, आप कदम मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। आपको कैसे मालूम चला कि ये पार्टी हैं मारने वाले? वो तो बैंक डेटे थे। आप जानते हो उनको? डेटे भी वही हैं। आप जानते हो क्या पार्टी कौन है? नाम क्या है? क्या नाम है? अरे कालू पार्टी नहीं जानता बस। तो इन लोगों ने किस चीज़ से मारा आपको? किस चीज़ से मारा? तो डंडे थे वो, क्या कहते हैं, जड़े जड़ाए रोहानी टाइप के। गुना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 12 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपी किए गिरफ्तार। आरोपी बसंत मीना एवं आरोपी पप्पू मीना के कब्जे से 6-6 ग्राम स्मैक हुई बरामद। बरामद इसमें की कीमत करीबन 1,20,000 बताई जा रही है। बमोरी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ANM सीमा प्रजापति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ANM प्रस्तुता महिला से इंजेक्शन लगाने पर रिश्वत की मांग कर रही है। बताएं ये क्या मामला है जो ऑडियो वीडियो चल रहा है ग्रुपों पे? नहीं, हाँ, सिस्टर का उसने आया सुनने में कि 400 रुपये मांगे गए हैं उसके द्वारा जी इंजेक्शन लगाने के। उसकी सीएम सर ने हमारे लिए जाँच कमेटी बनाई है। आज कमेटी वहाँ गए थे, हम जांच कथन लिए। तो सिस्टर तो आज वहाँ 3 नई ट्रेनिंग में गई हुई है, सिस्टर के कथन बचे हुए हैं, बाकी दाई के और उनके बयान लिए। कहीं ऐसा सिद्ध होता है उसमें उसमें कार्रवाई की जाएगी सिस्टर। सर ये उप स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है? झागर। नर्स दिखाई दे रही है, ये कौन है, क्या नाम है इनका? सीमा प्रजापति। आप किस पोस्ट पे हैं सर? मैं BM हूँ बम्बई। थैंक यू सर। गुना पुलिस ने 15 ग्राम स्मैक के साथ नाबालिग किया गिरफ्तार। बरामद स्मैक की कीमत करीबन 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। राधोगढ़ थाना पुलिस की एक टीम द्वारा अवैध रूप से ले जा रहे बारूद के साथ पुलिस ने आरोपी आविद को लिया हिरासत में। खेल और युवा कल्याण विभाग जिला गुना के तत्वावधान में खेल दिवस के अवसर पर निकाली गई साइकिल रैली।
श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया बमोरी क्षेत्र का दौरा, कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। जिला मुख्यालय पर हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हॉकी संघ के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय संजय स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गजेंद्र श्रीकरवार। 1 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी सोनू कलावत को पुलिस ने किया गिरफ्तार।